क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 4 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है, एसएल 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ एपी, ये एपी की सीरीज है, लाइन से जा रही है, तो इसका 12वें नंबर पे जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा ये पूछ रहे हैं। जैसे हमने कहा इसका तीसरे नंबर पे थर्ड टर्म क्या है, तो 0.23 थर्ड टर्म इसका 4 है। इसी तरह 12th टर्म कौन सा होगा ये बताना है, क्या बताना है? 12th टर्म। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इस फॉर्मूले के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसे ए कहते हैं, ठीक, कॉमन डिफरेंस यानी इसमें से इसको माइनस करो, इसको में से इसको माइनस करो, आंसर सेम आना चाहिए, वो डी होता है, ठीक है। अब आपने इसका फॉर्मूला लिख लिया क्योंकि आपको 12th टर्म निकालना है, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला लगाया। ए जो होता है ये पहला टर्म है, पहले नंबर पर जो लिखा है वो ए होता है, एन की वैल्यू जो है 12 है, तो जहाँ जहाँ एन यहाँ लिखा है, एन यहाँ लिखा है, ये दोनों जगह पर हमको 12 लिख लेना है, ठीक है। माइनस वन डी माने होता है कॉमन डिफरेंस, यानी दोनों में डिफरेंस क्या कॉमन है, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको माइनस करो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखिए डी की वैल्यू ऐसे निकलती है, टी टू माइनस टी वन और टी थ्री माइनस टी टू, टी टू की वैल्यू 9 है, दूसरे नंबर पर 9 है, पहले नंबर पर 14 है, 9 में से 14 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 14 बड़ा इसलिए इसका माइनस था, तो डी की वैल्यू हमें पता लगी। ए की वैल्यू 14 थी हमने रख दी, एन की वैल्यू देखिए 12 दी है, क्योंकि जो निकालनी होती है वो एन की वैल्यू होती है, माइनस वन इंटू डी की वैल्यू माइनस फाइव आई है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 14 का 14 लिखेंगे, 12 में से 1 गया 11, 11 इंटू माइनस फाइव, 11 इंटू माइनस फाइव। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11 फाइव था 55, पहले इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जिन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा था बॉर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले वो सॉल्व होते हैं। 11 फाइव था 55, ये माइनस जो है इस प्लस के साथ मिल गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, 11 फाइव था 55 आ गया, ठीक है। 14 माइनस 55, अब 14 में से 55 जाएगा तो माइनस का 41 बचेगा, क्योंकि 55 जो है बड़ा है उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। क्लियर होगी बात, जब भी हमसे कहा जा रहा है कि 12 टर्म निकालना है तो ऐसे ही आप निकालेंगे, ए की वैल्यू पहले टर्म, ठीक, इस तरह से वैल्यू पहले टर्म होती है, डिफरेंस बताइए डी।